besties for life. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ आम्बी को अर्जेंट केयर, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब में है और एक सप्ताह से ये स्कूल नहीं गई है और इसके कान में भी दर्द हो रहा था। आई गेस कि ईयर इन्फेक्शन था आई से। तो इसको मैं इसके यहाँ बच्चों के पीडियाट्रिक डॉक्टर कैसे होते हैं, उन अंदर का उनका विजिट कैसे होता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं चेक इन कर दी थी, उसके बाद इसको अंदर लेके गई। तो ये हमें वेटिंग एरिया दिया जाता है, पेशेंट का जो रूम होता है। तो ये बच्चों का इस तरह से है, दो चेयर लगे होते हैं पेरेंट्स के लिए, वो बैठने के लिए। ये गेट लगा हुआ है क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। नर्स ने पूरा इसका वाइटल चेक कर लिए थे। और ये किड्स के चेयर है, बेड है, वो उस पर बैठते हैं, उस पर वहाँ पर चेक करते हैं। तो ये सब करने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं। मैंने डॉक्टर का नोट भी ले ली हूँ क्योंकि इसका स्कूल में इन्फेक्शन था। तो डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दिया है, मेडिसिन लाना होगा, एंटीबायोटिक के बिना ठीक नहीं होगा। तो मैं जा रही हूँ वही कि अपना मेडिसिन भी पिक कर लूँगी। तो ये रास्ते में जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के फार्मेसी कैसे होते हैं, फार्मेसी के अंदर में कैसे क्या क्या सामान होते हैं, कैसे दवाई मिलती है। तो चलिए दिखाते हैं। तो हमने मेडिसिन के लिए पूछा रेडी है या नहीं, वो बोली क्या कि अभी 10-15 मिनट लगेगा, रेडी नहीं है। तब तक हम लोग स्टोर में ही घूम रहे थे कि अगर 10-15 मिनट में रेडी हो जाए फिर ले जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जो है ना यहाँ पे मेडिसिन डायरेक्ट भेजते हैं फार्मेसी में, फार्मेसी आपके मेडिसिन रेडी करते हैं, फिर आपको कॉल या मैसेज आएगा, देन यू हैव टू गो एंड पिक इट अप। बट मैंने सोचा कि ऑन द वे मैं चेक कर लेती हूँ, तो उसी तरह मैं आ गई थी। और यहाँ पे CVS फार्मेसी में ये बच्चों के काफ़ी सारे टॉयज होते हैं, उनके किड्स सेक्शन में ये सब तरह के काफ़ी जो क्यूट टाइप के ज्वेलरी होते हैं, हेयर बो, ये सब लगाने का होता है। तो वही हम भी देख रही है यहाँ पे। और ये मुझे यूनिकॉर्न वाला बैग, ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं और आम्बी यही देख रही हूँ। तो ये काफ़ी जो कॉस्मेटिक के सामान होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आम्बी भी देख रही थी, मैं भी देख रही थी, क्योंकि हमें टाइम पास करना था। तो यही सब देख रही थी कि मतलब फार्मेसी के अंदर भी कितने कुछ होते हैं, मतलब कि आप पूरा कॉस्मेटिक का सामान होता है, आप आराम से यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और भी दिखाती हूँ फार्मेसी के अंदर। देखिए यहाँ पे बॉडी केयर आइटम होता है, ये ले सकते हैं। फिर जाके ये जो फार्मेसी का एरिया है, मैं यहीं पे जाके फिर से उनसे पूछ के आई, तो वो बोले क्या कि नहीं अभी रेडी नहीं है, कम से कम 1 घंटा और लगेगा। तो मैं सोची कि अब तो घर ही चलते हैं। तो फिर जाके उसके बाद मैं बोली चलते हैं, ये येलो वाला लाइन है ना, ये यहाँ पे पिकअप होता है मेडिसिन, वहाँ से लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी मेडिसिन हो गए, चॉकलेट छोटा, बहुत बहुत कुछ ऐसा सामान होता है जो कि अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ आराम से आके ले सकते हैं। काफ़ी महंगा नहीं होता है, जैसे ये ग्रीटिंग्स ये सब भी है, ये सब भी है, एक ऐसा इसको बोल सकते हैं मिनी सा शॉप है जहाँ पे आपको सभी कुछ मिलेगा, जैसे स्टेशनरी का भी सामान मिल जाएगा आपको। और ये देखिए मतलब थोड़े बहुत क्लोथ्स भी हैं, जैसे कि हो गया आपको लेगिंग्स हो गया, टी शर्ट हो गया, अगर किसी को इमरजेंसी यहाँ से चाहिए तो आराम से ले सकते हैं। जैसे बॉडी केयर का आइटम हो गया, बॉडी वॉश हो गया, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे होता है। फार्मेसी के साथ साथ आप एक बहुत ही अच्छी तरह का दुकान टाइप का होता है कि आप यहाँ से कुछ भी बाय कर सकते हैं। और अभी वैलेंटाइन आ रहा है तो वैलेंटाइन का ये पूरा सेक्शन बना हुआ है, चॉकलेट, टेडीज, ये सब बने हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत दिन बाद में गई थी देखने। तो ये आम्बी को वो वाला चाहिए था टॉयज, तो मैं देख रही थी। और मैं देखी ये वाला पर्स, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था। मैं बोली निकाल के इसके प्राइस देखती हूँ, और तो इसके प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, ये 1499 का है। कि ये इतना छोटा सा बैग है, कुछ भी इसमें नहीं रख सकते, जस्ट फॉर द फन और फैशन, और काफ़ी महंगा है। तो मैंने तो आम्बी को बोली नहीं नहीं लेते हैं, तो दूसरे टाइम लेना, उसे कुछ और टॉयज चाहिए था। तो मैंने बोला उसको ही दिला दूँगी। तो मुझे उस वाले बैग से अच्छा ये वाला लगा, जिसमें कि आप मोबाइल रख सकते हो, आप अपना पर्स ये सब, जैसे क्रेडिट कार्ड ये सब हो गया, ये सब रख सकते हैं। तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, मैं सोची थी बाद में लूँगी इसको।
तो अम्बी को ये वाला चाहिए था फॉक्स येलो वाला, क्योंकि ये बीनी बुक कलेक्ट करती है। ये मेडिसिन तो हमें मिला नहीं, तो हम जा रहे हैं घर, और घर आके बहुत सारा काम हुआ। फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ, अभी रात के बज रहे हैं, 6:45 हो गया है, कॉलेज जा रही हूँ। तो अब मैं कॉलेज का आपको वॉच दिखा रही हूँ, 7:10 हो गया, क्योंकि आज मैं लेट हो गई क्लास के लिए, और काफ़ी लेट हो गई थी, 10 मिनट लेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मीटिंग चल रहा था, उन्हें मुझे ड्रॉप करना था, तो वही मुझे ड्रॉप करने गए थे आज। उसके बाद हम लोग रात को वापस आ रहे हैं, 8:45 हो रहा है और रास्ते में हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फिर से गई मेडिसिन लाने के लिए, फिर मेडिसिन के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, आगे वीडियो में आप देखिएगा क्या क्या हुआ। लुक एट दैट, इट्स रेनिंग, गो 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 गो, इट्स ओपन। So we are going to get her medicine, because yesterday it was not ready and today is ready, so going to get her medicine. Okay, let's go. It's cold. I know, it's cold. Oh wait, guess what, I snuck Phoenix. Oh no. You silly. यहाँ पे हम लोग अंदर जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए, पिकअप जो लोकेशन होता है, जो ये एरो को फॉलो करते हुए जाइए, तो यहाँ पे ये फार्मेसी होता है, यहाँ पे जाके अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ बताना होता है, तो वो बताएंगे कि आपके मेडिसिन रेडी है या नहीं। लास्ट नेम इसाहा। पिकअप मेडिसिन यहाँ का इस तरह से दिखता है कुछ। 2000 years later. There is no medicine here. They sent it to some other pharmacy. Yeah. We have to go there and get it. So let's go again. You have to say what happened here in this location to get your medicine. First we had to go to the pharmacy, and then after that the pharmacy said that it wasn't ready, it was all backup. Mm-hmm. So we had to consult my doctor now. So there is no medicine here also. What to do now? We have to go back home. I have to call the doctor about the problem. Yeah, I know. Now we are back to here. And go and talk to the doctor again for the medicine, right? Yes. Our medicine now, MB. Harris Teeter. Now our doctor sent the medicine to the Harris Teeter. Now we have to go there and get it, okay? So this is the most craziest day ever. And outside it's crazy. Can you see that? Yes. Oh my gosh. And I still have a runny stuffy nose. Need medicine, so let's go. So hi everyone, तो finally हमें medicine तो नहीं मिला, क्योंकि जो location पर मैं गई थी वहाँ पर Harris Teeter मुझे दिख ही नहीं रहा था, इतना तेज़ बारिश हो रहा था, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो मैं वापस घर आ गई, क्योंकि खाना भी बनाना था, उनको खाना भी देना था, और हमारे पास एक ही कार है, तो एक ही कार से हमें अप एंड डाउन करना होता है, तो मुझे मेडिसिन नहीं मिला। अभी देखते हैं शाम को फिर से जाके मिलता है या नहीं मिला, क्योंकि कान का दर्द जो ऐसा होता है वो जल्दी ठीक ना हो तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से मैं अभी तो बोली कि चलो अभी चलते हैं, मेडिसिन भी नहीं मिल रहा, घर आके फिर खाना वाना बनाऊँगी और हस्बैंड को भी ऑफिस ड्रॉप करने जाऊँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।